हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्नाज होम। अभी हम लोग लॉन्ग वैकेशन के बाद कनाडा वापस आ गए हैं और यहाँ आते के साथ ही तो सब क्रिसमस के मूड में हैं, तो सब अपना क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रहे हैं और सेजल भी काफी एक्साइटेड है क्रिसमस को लेकर। पिछले साल ही वो काफी एक्साइटेड थी, बोले थे मुझे क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना है, तो हमने पिछले साल ही ये क्रिसमस ट्री लिया। और इस क्रिसमस ट्री में पहले से ही मल्टी कलर लाइट्स और येलो लाइट भी है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। हमने ये ट्री पिछले साल ही लिया और उतने अच्छे से डेकोरेट नहीं किया क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था, हमने क्रिसमस के बस एक दो दिन ही पहले लिया था। तो इस बार सीजन काफी एक्साइटेड है क्रिसमस ट्री को लेकर, तो हमने बहुत सारे शॉपिंग किए, ऑर्नामेंट्स खरीदे, गार्लैंड्स खरीदे इस बार, और ये सब हमने लॉस से लिया। कल ही जाकर हमने लॉस से लिया, 50% ऑफ मिला हमें इन सारी चीजों पर। Are you excited? Yes. Yeah? तो अभी हम लोग सबसे पहले क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने जा रहे हैं, तो आइए हम आपको अपने क्रिसमस का डेकोरेशन दिखाते हैं। अभी हम क्रिसमस ट्री लगाने जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम ट्री टॉपर और ट्री स्कर्ट भी लगाएंगे। ट्री स्कर्ट लगने के बाद ये कितना सुंदर दिख रहे हैं। लाइट के साथ तो क्रिसमस ट्री वैसे भी काफी सुंदर लग रहा है, बट इस क्रिसमस ट्री को हम लोग इन ऑर्नामेंट से भी डेकोरेट करेंगे। इस बॉक्स में डिफरेंट साइज और स्टाइल के काफी सुंदर ऑर्नामेंट्स हैं। हमने ये डेकोरेशन बे से लिया था और एक ही डब्बे में तो पूरा फुल हो गया क्रिसमस ट्री। अब मुझे लग रहा है ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। और ये हमने कल जो लोस से लिया था रेनडियर, वो हम लगा रहे हैं क्योंकि सीजन को बहुत अच्छा लग रहा है, ये सीजन काफी खुश है। बाकी देखते हैं उसे लगाने की जरूरत है या नहीं। ये देखिए, हमने क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर लिया है और ये कितना सुंदर लग रहा है। और इसमें लाइटिंग पहले से ही थी तो हमें ऊपर से लाइटिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये देखिए, डार्क में भी ये ट्री कितना सुंदर लग रहा है। हम अपने फ्लावर पॉट का भी फ्लावर चेंज कर देते हैं, तो क्रिसमस वाला ही लगा देते हैं, अच्छा लगेगा पूरा। यह हमने गार्लैंड्स लिया है
तो अभी हम इसे स्टेयर्स पे डेकोरेट करेंगे। ये हमने गार्लैंड लगा लिया है और अब इसके ऊपर हम ये लगाएंगे। ये भी हमने लॉस से ही लिया है। और हम ये चेक कर रहे हैं कि ये कैसे अच्छा लगेगा। ये हम डिफरेंट स्टाइल का गार्लैंड लिए हैं और अभी चेक कर रहे हैं कि किस तरह से ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। हमने अपना स्टेयर के सजा लिए हैं और आप ये देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। पहले हमने ये ग्रीन गार्डन लगाया, फिर उसके बाद ये गोल्डन वाला, फिर ये मल्टी कलर, तो एक के ऊपर एक काफी अच्छा लग रहा है ये दिखने में। और ये हमने ऑर्नामेंट्स भी कुछ लगा दिया है, नीचे भी हमने ये थोड़ा ऑर्नामेंट्स लगा दिया है, ये बो टाई भी हमने यहाँ लगा दिया है, तो ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमने क्रिसमस हैट भी लिया और ये हमें बहुत ही अच्छे डील में मिला। आप सोच ही नहीं सकते कि कितना सस्ता मिला मुझे, ये ओनली 90 सेंट में मिला। तो हमने तीनों ले लिया, वहां पे तीन ही था तो हमने तीनों ले लिया और क्रिसमस के दिन पहनेंगे हम लोग ये। हमने ये प्रोजेक्टर भी लिया है और अभी हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो हम लोग प्रोजेक्टर वैसे फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो हमें पता नहीं है किसे कैसे लगाते हैं, अभी देखते हैं फिर इंस्ट्रक्शन उसके बाद लगाएंगे, फिर आपको लगाने के बाद दिखाएंगे कि कैसा लगेगा और आप हमें बताइए जरूर कि ये कैसा लगेगा। ये हमने बाहर घर के वॉल पे प्रोजेक्टर सेट कर दिए हैं। हमने प्रोजेक्टर में बस अभी ये हैप्पी हॉलीडेज लगाया है और बाकी पांच हमने अभी नहीं लगाए हैं, ये हमने अभी रखा है, बाद में लगाएंगे। आई होप आपको हमारा ये क्रिसमस डेकोरेशन अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल का अपडेट्स मिलता रहे। फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय। If our video looks good, then you can subscribe, like, and you can share the video. Bye-bye!